हेलो वर्मा. गुड मॉर्निंग राज साहब. गुड मॉर्निंग. भाई तुम्हारे फार्मूलों ने तो ऐसा केमिकल्स की काया ही पलट दी है. जानते हो आज एक अखबार वाले ने क्या लिखा है? क्या लिखा है कि हमारी दवाओं से मौत इस तरह भागती है जैसे डीडीटी से मक्खियां. और तुम्हारे नए इंजेक्शंस ने जी तो यमराज का धंधा भी ठंडा कर दिया है. इसका सहरा सुधीर के सर पे है. बड़ा ही अच्छा सेल्समैन है सर. अच्छा. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग भाई. अभी अभी तुम्हारा नाम लिया था और तुम आ गए. ये वर्मा साहब को तुम कुछ रिश्वत खिलाते हो क्या सर? हाँ, कह रहे थे कि तुमसे बड़ा सेल्समैन इस दुनिया में और कोई है ही नहीं. सर मेरा तो काम ही सेल्स को बढ़ाना है सर. और वैसे भी डॉक्टर वर्मा की दवाइयों में इतना असर है सर कि हर डॉक्टर इन्हीं की दवाई को रेकमेंड करता है. हाँ, फिर भी एक बात से होशियार रहना, सक्सेस के दुश्मन खुद बहुत पैदा हो जाते हैं, इसलिए हमारी नाक न कटने पाए. ओ छीना छीना छीना, तुमने यहाँ छीने छीना लगा रखा है, उधर राय ने हमारा सारा बिजनेस छीन लिया है. इतवारे, अब अगर हमें इस बिजनेस में जिंदा रहना है ना, तो हमें उनके कुछ ऐसे हाथों की जरूरत है जो चुपके से हमारे साथ मिले, और फिर हम उन्हीं हाथों से राय केमिकल्स का गला घोट देंगे. चिन्ना, मेरा गल्ला. चिन्ना, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है. थैंक यू. लेकिन डॉक्टर वर्मा को नहीं खरीदा जा सकता. अरे क्यों? वो ऐसी कौन सी मिट्टी से बना है जो खरीदा नहीं जा सकता? अरे भगवान ने उसको खास वफादारी की मिट्टी से बनाया है, और उसका पेट भी बहुत छोटा छा है. हाँ, सुदर्शन राय जी के आदमियों में से सिर्फ एक आदमी फूट सकता है, और उसका पेट भी थोड़ा सा बड़ा है. कौन है वो बड़े पेट वाला? सुधीर. कौन? सुधीर. सुधीर? हाँ. उनका सेल्स मैनेजर? हाँ. लेकिन छिन्ना, देख उतना खा जितना हजम हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि पेट के रास्ते से हम लोग जेल में चले जाएं. तुम्हारे को तो मालूम है कि जेल के नाम से मेरी लूं कापती. अरे इतवारी, वो तो मैं जानता हूँ. बस तो एक काम कर, एक बार तो सुधीर को बुला ले, फिर देख मैं उसे कैसे नोटों के जाल में फंसाता हूँ. बुला ले? अरे सुधीर को तो मैंने कब छह बार बुला के रखा है. बुला के रखा है? योर जीनियस, जल्दी बुला के ला. शाबाश, ये साला तो मुझसे भी तेज है. सुधीर साहब, आइए आइए आइए. वेलकम वेलकम. मिलिए मेरे पार्टनर छिन्ना साहब से. हेलो मिस्टर सुधीर. हाउ डू यू डू. आइए आइए, बैठिए. अरे ये वो बम है जो हम सब का टाइम बदल देगा. बाय द बाय, यू नो ये अपने लौंडे को लंदन भेजना चाहते हैं. जी वो डॉक्टर बनने के लिए जी. अरे वेरी गुड वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है. आपके बेटे को हम लंदन भिजवा देंगे. कुमारीलाल जी, वो अपना बेटा कैलाश भी तो लंदन जा रहा है ना. हाँ हाँ, उसके साथ ही इनके बेटे को भी भिजवा देंगे, उनको कंपनी भी मिल जाएगी. आई थी वेरी गुड आइडिया. और देखो मिस्टर सुधीर, बिना खतरा उठाए जिंदगी का कोई ख्वाब पूरा नहीं होता, क्योंकि जिंदगी तो खुद एक खतरा है. है? बिल्कुल बिल्कुल. और फिर कब तक तुम 2-2.5 हजार रुपए महीने में सुदर्शन राय के यहाँ अपना खून पसीना एक करते रहोगे? मैं कुछ समझा नहीं. के अरे यार ऐसा गजब मत करो. अगर तुम नहीं समझोगे तो छिना छाप नहीं समझेंगे. छिना छाप नहीं समझेंगे तो मैं नहीं समझूंगा. जब मैं नहीं समझूंगा तो तुमको क्या समझूंगा? इसलिए छिना छाप को समझने में ही समझदारी है. मिस्टर सुधीर, बस आप इतना समझ लीजिए कि सुदर्शन राय केमिकल्स की सारी दवाइयां आप मार्केट में नहीं बेचेंगे, बल्कि हमें बेचेंगे. छोचो छोचो, कोई जबरदस्ती नहीं है. दिमाग तुम्हारा और पेचे हमारे. ये छोटा तो राजी राजी का है ना. और मिस्टर सुधीर, तुम्हारा मकसद तो दवाइयों की बिक्री से है ना, वो हम खरीदेंगे. अरे सुधीर छाप छप समझ गए छीना. देखा इतवारी, इसे कहते हैं बाप का असली प्यार, जो अपने बेटे की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार है. मिस्टर सिन्हा, अब आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा. गुड लक.
रहा है केमिकल्स में पुलिस का छापा। नकली इंजेक्शन साथ में मौत मरे, आज की ताजा खबर। नकली इंजेक्शन साथ में मौत मरे, आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर, नकली इंजेक्शन साथ में मौत मरे। नकली इंजेक्शन साथ में मौत मरे, आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर, नकली इंजेक्शन साथ में मौत मरे, आज की ताजा खबर। नकली इंजेक्शन साथ में मौत मरे, आज की ताजा खबर। राय साहब कुछ पता चला? यह हमारी शीशी, और इसे देखिए जो मैं बाजार से लाया हूँ, जो बिल्कुल हमारी शीशी की नकल है और इसमें दवा भी नकली है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई हमारे कंसर्न को बदनाम करके हमें बर्बाद करना चाहता। मैं भी यही सोच रहा हूँ, और रह रहकर रमेश सिन्हा याद आता है। रमेश सिन्हा, वो जो हमारे यहाँ काम करता था। जी सुधीर का है, वो छाला बेईमान बदमाश कहीं ना कहीं फंसा हुआ होगा। इतवारी शर्म नहीं आती अपने ही आदमी को बेईमान कहता है? तुम कौन से ईमानदार हो? मुझे तो यकीन हो गया अब तुम जेल के अंदर नहीं जाओगे। अच्छा जेल तुम्हारे अंदर जाएगा। आओ आओ सुधीर बाबू, आइए देखिए आपके आने से पहले हमने कितनी ईमानदारी से आपका हिस्सा निकाल के रखा हुआ। पैक कर लो। छूटी ये तुम्हारे बगैर पसीने की कमाई है। देखो अरे ऊपर वाले जब ऐसे ऐसे बेईमान बनाने थे तो फिर ईमानदारों को क्यों बनाया? इतवारी, अरे मैं ऊपर वाले से बात कर रहा हूँ यार, डोंट डिस्टर्ब मी। Yes. हमारी कंपनी की दवाओं में मिलावट करने वालों का पता चल गया है। क्या? मैं रमेश सिन्हा के ऑफिस से बोल रहा हूँ, आप पुलिस को लेकर फौरन पहुँचाइए, सारे मुजरिम यहाँ मौजूद। मैं अभी पुलिस को लेकर वहाँ आ रहा हूँ, तब तक किसी भी हरामजादे को वहाँ से जाने मत देना। जी आओ इंस्पेक्टर। मिस्टर सुधीर, सारी जिंदगी में तुम ईमानदारी से इतना पैसा नहीं कमा सकते थे जितना तुमने थोड़ी सी बेईमानी करके कमा लिया है। क्या हुई द्वारे? थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं इन्हीं पैसों से अपने बेटे को डॉक्टर वर्मा से भी बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा। और वो तुमसे भी बड़ा कमीना बनेगा और लोगों की जान लेगा, यही ना? आज पहली बार मेरे दिल से ये बद्दुआ निकली, मुट्ठी भर पैसों के लालच में तूने जो कांटे बोए हैं, जिंदगी भर तू उन्हीं कांटों पर चलेगा, तुझे कभी कभी सुकून नहीं मिलेगा। तो तुम सब कुछ जान गए? हाँ हाँ मैं सब जान गया हूँ, और मेरे जीते जी मैं तुम्हें इंसानों की जिंदगी से नहीं खेलने दूंगा। किसकी नौबत नहीं आएगी वर्मा जी। इतवारी तुम सुधीर के साथ बाहर जाओ, मुझे इनके साथ कुछ प्राइवेट बात करनी है। प्राइवेट? हाँ हाँ प्राइवेट। चलो छुजी। जब तक पुलिस नहीं आती मैं यहाँ से किसी को नहीं जाने दूंगा। अरे मामू पुलिस के नाम से तो मेरी क्यों छीनना। हाँ वर्मा जी इनकी रूह कांपती है, इन्हें जाने दीजिए। नहीं जाओ, मैं जाने नहीं दूंगा, नहीं जाने दूंगा। अब तो तुम्हारी बात पुलिस सुनेगी। पुलिस के बीच में चला वर्मा हराम ज्यादा जगते कमीने। मैं पर पुलिस के हवाले कर रहा हूँ, बुलाता हूँ वर्मा। हैंड अप। वर्मा ये क्या हुआ? सेक्टर जी जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, चलाओ जल्दी चलाओ। वर्मा तुम घबराओ नहीं, ठीक हो जाओगे। राय साहब, राय साहब मेरे बेटे विजय, विजू का ख्याल रखना। घबराओ नहीं वर्मा, वो मेरे अपने बेटे की तरह है, लेकिन वो है कहाँ? वो देवलाली के कॉन्वेंट में। देवलाली कॉन्वेंट में? वर्मा ये बताओ वो रमेश सिन्हा के साथ और कौन थे? उसके साथ वो कौन? वो कोई भी हूं लेकिन जिन्होंने मेरे दोस्त का यह हाल किया है वो दुनिया में चैन से नहीं रह सकेंगे। चाची बोला क्या जी? मैं सुबह डॉक्टर से कह के गया था, वो आया कि नहीं? बेटे एक बार नहीं चार बार आए थे और हर बार ये सुई लगाकर चले। इंजेक्शन? नहीं ये तो रमेश सिन्हा वाले इंजेक्शन है।